हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया हूँ और आगे भी बढ़िया है। तो गाइस स्वागत है किसी को न्यू फ्रेश वीडियो में। यार भालू कर गाइस, आप लोग को पता होगा राठी गेमिंग का आईडी स्कैम हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे हो मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो क्योंकि भाई लोग अब गाइस आप लोग का आईडी भी सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि अब कोई भी किसी की भी आईडी स्कैम कर सकता है भाई लोग। जी हाँ, अब आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका सलूशन भी लेके आया हूँ, ताकि आप लोग की भी आईडी आप बचा सको। भाई लोग सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस अब भाई कोई भी बंदा किसी भी बंदे से दुश्मनी निकाल सकता है, आईडी किसी की भी आईडी की बाट लगा सकता है, स्कैम कर सकता है भालू। सच बता रहा हूँ भालू, क्योंकि यार गाइस मैं विथ प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ राठी गेमिंग के साथ क्या हुआ है भालू। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो राठी के साथ हुआ है वो आप लोग के साथ कभी ना हो, क्योंकि यार देखो यार गाइस ये बहुत बड़ा मतलब यार गाइस न्यू ट्रिक आ चुका है भालू, जो अब किसी की भी आईडी स्कैम कर सकता है। तो भालू मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आप लोग का बहुत ज्यादा यार गाइस नुकसान होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस कुछ बंदे अफवाह उड़ा रहे हैं कि एआई जीएम गट्टू ने बैन की, तो ऐसा नहीं है भालू। मैं बता दूं, आप लोग सोच रहे हो जीएम गट्टू कौन है भालू, जीएम गट्टू गरीने का मॉडरेटर था जहां तक मुझे पता है भालू। और गाइस अभी देखोगे तो रीजन 98 नंबर पे, और गाइस उसका जो अवतार है और बैनर है गाइस वो किसी के भी पास नहीं है, पूरा इंडियन सर्वर में देखो पुराना ग्रैंड मास्टर का अवतार बैनर है, मतलब गाइस ये देखो। और इसके पास जो बैनर एविटर दोनों किसी भी बंदे के पास नहीं, क्योंकि कैसे गरीना का मॉडरेटर था पहले, मॉडरेटर पहले था ठीक है, इसके पास वीवेंच भी था, बट अभी मुझे पता नहीं है क्या हुआ है। लेकिन मैं बता दूं इस बंदे ने आईडी बैन नहीं की भाई लोग, गाइस इस भाई ने आईडी बैन बिल्कुल नहीं की भाई लोग, बंदे लोग फालतू का अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं रियल मतलब गाइस जो मेरे को रियल रीजन मिल चुका है, जिससे आप लोग की आईडी को भी अब खतरा हो चुका है भाई लोग, क्योंकि गाइस आप कोई भी बंदा किसी भी आईडी का वॉट लगा सकता है भाई लोग। तो चलो हम बात कर लेते आईडी राठी गेमिंग का, जो आईडी कैसे स्कैम हुआ है, उसका रैंक कैसे डाउन हुआ है भाई लोग, और आप लोग का भी हो सकता है भाई लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग वीडियो को पूरा देखना भाई लोग ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं राठी गेमिंग का जो आईडी का मेन रीजन आप लोग जानने का मतलब गाइस जानने को सोच रहोगे कि राठी गेमिंग की आईडी किसने बैन की, कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ और किसने किया भाई लोग। तो ये सिंपल सा तरीका है भाई लोग, आप कोई भी बंदा किसी भी बंदे की आईडी की वाट लगा सकता है। राठी गेमिंग के साथ क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, उसका जो बंदा है राज एफएफ ठीक है, उसने बताया है, उसका वीडियो देखना आप लोग यार गाइस, मुझे पता भी चला मुझे बंदे लोग बता रहे थे उसके साथ हुआ क्या है। और गाइस ये मैं जो बता रहा हूँ ना जो ट्रिक मेरे फैनलिस के एक मेरे बंदे के साथ भी हुआ है, जो मेरे फैनलिस में है उसके साथ भी ये हो चुका है भाई लोग ठीक है, मतलब ये आप किसी भी बंदे के साथ हो सकता है, कोई भी बंदा किसी भी आईडी का बाट लगा सकता है। जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक बंदा उसके साथ भी ऐसा हो चुका है, और वो डेली खेलता है, उसने मुझे बताया था भाई लोग ठीक है। तो ऐसा गैस आप लोग के साथ भी हो सकता है, मैं बता दूं, और गैस आप लोग के साथ भी हो सकता है ठीक है। तो अब हम बात कर लेते क्या हुआ है राठी गेमिंग के साथ भाई लोग। राठी गेमिंग के साथ दो प्लेयर खेले थे भाई लोग, मतलब जो फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे भाई लोग ठीक है। तो गैस उन्होंने क्या किया सिंपल सा, मतलब राठी गेमिंग का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो वो बोल रहा था राजनीति, मतलब राजनीति से आईडी बैन किया। जी हां, उसका बात बिल्कुल सही है, राजनीति से आईडी बैन किया गया, राजनीति मतलब गैस बहुत ज्यादा दिमाग लगा के। क्या हुआ गैस मैं बता देता हूँ, राठी गेमिंग के साथ मतलब एक गेम खेले बंदे लोग ठीक है, तो दो बंदे उसके फैनलिस्ट के थे, दो बंदे फैनलिस्ट के नहीं थे, तो जिसमें से एक बंदा आ गया हैक लगा के भाई लोग ठीक है, मतलब राठी गेमिंग नहीं, राठी गेमिंग के साथ जो खेल रहा था वो हैक लगा के आ गया। अब आप लोग सोच रहे हो कोई बंदा मतलब वो हैक लगा के आया तो राठी गेमिंग का क्या हुआ, तो मैं बता दूं जैसे वो गेम खेल रहे थे उसी का बंदा राज बता रहा था ठीक है, जो जैसे वो लोग गेम खेल रहे थे तो एक बंदा उसके साथ आ गया हैक लगा के। तो भाई लोग उनको गाइस क्या हुआ, थोड़ा गेम चला और उनको गेम से बैक फेंक दिया। अब मैं बता दूं अगर आपके साथ कोई हैकर खेलता है तो क्या होता है भाई लोग ठीक है, अगर आपके साथ कोई हैकर खेलेगा तो आपको आधा गेम मतलब बीच गेम में से आपको बैक फेंक देगा, और जैसे ही आप बैक आओगे आपका रैंक ब्रॉन्ज पे शो करने लगेगा। सिंपल राठी गेमिंग के साथ भी यही हुआ है भाई लोग, उसके साथ भाई लोग मतलब जानबूझ के किया गया है ठीक है, किसी बंदे ने इसका रैंक ड्रॉप कराने के लिए। देखो भाई लोग ये मानता हूँ बंदा ग्लिच यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है, अपने को देखो यार भाई अपने को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट गाइस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग बच सको, क्योंकि भाई आप कोई भी बंदा किसी भी आईडी की रैंक गिरा सकता है, क्योंकि भाई सिंपल सा तरीका है, उसको हैक लगा के आना है और उस बंदे के साथ खेलना। और गाइस अभी गरीना का जो सिस्टम इतना तगड़ा है ना भाई लोग, एक गेम भी नहीं खेलने देती गरीना, और गाइस आईडी बैन करा देती, और जितने बंदे उसके साथ खेलेंगे सबका रैंक ब्रॉन्ज पे ड्रॉप कर देती। अभी आप लोग देखोगे तो राज का एक वीडियो है भाई लोग यार गाइस YouTube पे डाला उसने, तो उसने बोला था मैं गेम खेल रहा था और गेम से मुझे सीधा वेक फेंक दिया भाई लोग, तो गाइस ऐसा मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ। तो फिर मैं समझ गया भाई लोग ये तो सच में गाइस किसी बंदे ने जानबूझ के किया, तो मैंने समझा दिया। मैं आप लोग को भी बता दूं गाइस, अब गाइस कोई भी बंदा किसी से जलता है ना तो आप कोई भी ऐसा कर सकता है भाई लोग, आप लोग सतर्क रहो। कुछ बंदे बोल रहे हैं भाई राठी गेमिंग ग्लिच यूज कर रहा था, बहुत सही है, तो देखो यार इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोले यार गाइस देखो मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि देखो यार बात यह है कि भाई जो बंदा ये करता है अपने कुछ
इससे कुछ मतलब नहीं। मैं तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इससे बच सको। अब गाइस आप लोग का भी आईडी में रिक्स है, तो भाई लोग आप लोग भी गाइस अपने फ्रेंड लिस्ट के बंदों के साथ खेलना और सबसे मतलब ट्रस्टेबल बंदों के साथ खेलना, ठीक है। आप देख सकते हो इतना बड़ा मतलब वो हो चुका है भाई लोग, समझो ना। अब बहुत ज़्यादा साजिश होने लगी भाई लोग गेम में, अब कोई भी किसी की आईडी की रैंक गिरा सकता है भाई लोग। और सेम राठी के साथ भी ऐसा ही हुआ गाइस, उसके साथ हैकर कोई बंदा आया, हैक लगा के खेला और गाइस उसका बीच गेम में से बैक खरीद दिया। मैं बता दूँ टॉप 9 था उसका, टॉप 9 में से गेम को बैक कर दिया, टॉप 9 में से, ठीक है। और गेम से बैक फेंक दिया भाई लोग और गाइस उसका गाइस मतलब पूरा रैंक है ना वो ड्रॉप कर दिया, सीधा ब्रॉन्ज पे आ गया। और गरीना का बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा ही है भाई लोग, मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक बंदा है उसने मुझे बताया, क्योंकि गाइस वो भी गेम खेल रहा था, रैंक गेम खेल रहा था उसके साथ, मतलब उसने हैकर के साथ नहीं खेला लेकिन उसके सामने हैकर आ गया, ठीक है। उसको पता नहीं था, ठीक है, वो रैंडमली खेल रहा था। तो क्या हुआ, उसने एक गेम खेला तो उसको बीच गेम में से बैक फेंक दिया भाई लोग, ठीक है। तो बीच गेम में से बैक फेंक दिया तो बस उसका सीधा बैक आया, तो उसने देखा मेरा रैंक है ना जो ब्रॉन्ज पे आ गया। तो भाई लोग इसका सोल्यूशन सिंपल सा एक ही है भाई लोग, आप लोग को किसी भी बंदे के साथ गेम नहीं खेलना, आपकी फ्रेंड लिस्ट वालों के साथ खेलना है। क्योंकि गाइस अभी कोई भी बंदा किसी का भी आईडी का रैंक मतलब ड्रॉप करा सकता है, बहुत ईजी हो चुका है। जैसे कोई बंदा किसी से जलता है, किसी से दुश्मन है, किसी का मतलब किसी की दुश्मनी है, तो अब कोई भी बंदा किसी की भी आईडी की बाट लगा सकता है भाई लोग। तो बस ये रीजन मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा यार भाई लोग मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। और भाई लोग मैं सच बता रहा हूँ, सभी बंदों को शेयर कर दो भाई लोग, क्योंकि अब भाई किसी की भी आईडी सेफ नहीं है भाई लोग, ठीक है यार गाइस। आप तो यार गाइस ये ट्रिक तो यार गाइस हर कोई कर सकता है, ठीक है, बट गाइस ये ट्रिक जो भी करेगा उसका आईडी भी बैन होता है भाई लोग, मैं ये बता दूँ, ठीक है, उसका आईडी भी बैन हो जाएगा भाई लोग, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो भाई लोग आपने आप अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दो, जो जो बंदे मतलब रैंक पुश करते हैं उन सबका आईडी बचा लो भाई लोग। क्योंकि गाइस आप देखो ये गाइस मैंने आप लोग को विद ग्रुप के साथ बता दिया कि अब आईडी आप मतलब कोई भी बंदा किसी की भी आईडी की रैंक गिरा सकता है, लेकिन गाइस मैं बता दूँ सिर्फ और सिर्फ रैंक ही ड्रॉप होगी, आईडी बैन नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ राठी की रैंक ड्रॉप हुई, आईडी स्कैम नहीं हुई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राठी ने एक बात झूठ बोली, देखो यार भाई मैं तो जो है रियलिटी है सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब राठी का आईडी स्कैम नहीं हुआ भाई लोग, आईडी स्कैम नहीं हुआ, ध्यान से सुनो, ठीक है। उसका आईडी का रैंक किसी ने जानबूझ के गिराया, राठी का आईडी उसी के पास है, बिल्कुल सेफ है, 1% भी उसको कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा है रैंक, उसकी रैंक ड्रॉप करा दी गई है, ठीक है। तो गाइस आप गाइस कोई भी बंदा किसी की भी रैंक ड्रॉप करा सकता है, ठीक है। आईडी किसी की भी बैन नहीं होगी और किसी की भी आईडी स्कैम नहीं हो सकती। मैंने जैसा कब बोला था भाई लोग, सबकी आईडी को रिक्स है, आईडी की रैंक को सभी की मतलब जितने बंदे ना सबकी आईडी को रिक्स है, ठीक है। अब भाई लोग अब मैं बता दूं यार गाइस, मैं बता दूं अब किसी की आईडी बैन नहीं हो सकती, लेकिन इससे आप लोग की किसी भी बंदे की रैंक गिरा सकता है भाई लोग, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सतर्क रहना है भाई लोग, फ्रेंड लिस्ट के बंदों के साथ खेलना। अगर आपका कोई बंदा है जिससे आपकी दुश्मनी है या जिससे आपकी लड़ाई हो चुकी है, फाइट हो चुकी है, तो गाइस उससे मतलब थोड़ा बच के रहना, क्योंकि गाइस आप कोई भी बंदा किसी भी आईडी की रैंक गिरा सकता है, ठीक है। मैं बता दूं आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, आईडी किसी की बैन नहीं होगी, लेकिन रैंक अब कोई भी बंदा किसी की भी गिरा सकता है, बहुत ईजी हो चुका है। तो भाई लोग सब लोग गाइस बी केयरफुल, सतर्क रहना भाई लोग, ठीक है। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, इसलिए मैंने आप आज का वीडियो बनाया भाई लोग, इसलिए मैं ऐसे मतलब गाइस मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि राठी की आईडी बैन हो गई तो मैं भी जाऊं, क्यों ना यार भाई लोग कुछ यार गाइस व्यूज छाप लूं। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि गाइस मतलब अब किसी की भी आईडी के साथ ऐसा हो सकता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार भाई लोग, सब लोग शेयर कर देना यार।